हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स विनैकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 21 जुलाई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGLpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGLpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि JC डैनियल अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर था KP कुमारन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसका करेक्ट आंसर था PV सिंधु। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार। डिटेल्स देख लो तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। उन्होंने शुक्रवार 15 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया है। KBIC के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीन एशियाई खेलों 2022 को कब से कब तक आयोजित करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023। डिटेल्स देख लो तो एशियाई खेल 2022 इस साल सितंबर के लिए निर्धारित किया गया था। अब इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। चीन के हांगझाऊ शहर और उसके आसपास कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के कारण मई में एशियाई खेल को स्थगित कर दिया गया था। 4 वर्षों में एक बार होने वाला इवेंट 10 से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित होने थे। 6 मई को एशियाई खेल को स्थगित करने के ऐलान के बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने नई तारीखों की घोषणा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। चेंगदू में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को भी 2023 तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले ड्रोन डैश जो मानव पेलोड ले जा सकता है का हाल ही में अनावरण किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण। डिटेल्स देख लो तो भारत का पहला ड्रोन जो 130 किलोग्राम तक का मानव पेलोड ले जा सकता है का अनावरण नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NII संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान किया गया। वरुण एक पायलट रहित यानी पायलट लेस ड्रोन है जिसे भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। यह एक व्यक्ति को ले जा सकता है और इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं। यह 25 किलोमीटर की रेंज के साथ 25 से 35 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ तकनीक को भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नीति अधिकारी यानी एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस विनीत सरन। डिटेल्स देख लो तो BCCI ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विनीत सरन को लोकपाल और नीति अधिकारी यानी एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का कार्यकाल जून 2021 में समाप्त होने के बाद से एक वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ा है। 1995 में जस्टिस विनीत सरन ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद संभाला और फरवरी 2016 में उन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अगस्त 2018 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया जहां वे अपने सेवानिवृत्ति तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के टेनिस स्टार लेटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स देख लो तो 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन हैविट को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
2020 में ITF ने यह घोषणा की थी कि हैबिट को 2021 के क्लास के लिए हॉल ऑफ फेम में चुना जाएगा। वह हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ऑस्ट्रेलिया के 34वें खिलाड़ी बन गए हैं। हैबिट ने 2001 US ओपन और 2002 विंबलडन खिताब जीता। 2001 में वह 20 साल 8 महीने और 26 दिनों में सबसे कम उम्र के पुरुष विश्व नंबर एक बने। अपने करियर के दौरान उन्होंने 30 एकल खिताब जीते और वे दो डेविस कप चैंपियनशिप टीमों 1999 और 2003 का हिस्सा थे। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर बंदरगाह बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। डिटेल्स देख लो, तो JNP देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, जिसमें सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP ऑपरेटरों के माध्यम से सभी प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई का प्रतिशत वर्ष 2030 तक 85% होने का लक्ष्य है। JNP देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। और ये रैंकिंग लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। वर्तमान में JNP में 5 कंटेनर टर्मिनल संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षदा गरुड़ का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन। डिटेल्स देख लो, तो भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं का 45 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय ने कुल 157 किलोग्राम 69+88 के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। यह उनके द्वारा मई में दर्ज की गई 153 किलोग्राम 70+83 लिफ्ट से 4 किलोग्राम बेहतर था। पुरुषों के 49 किलोग्राम युवा स्पर्धा में एल धनुष ने 85 किलोग्राम के प्रयास के साथ स्नैच वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुति शाह। डिटेल्स देख लो, तो ध्रुति शाह द्वारा लिखित पुस्तक दी रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर को सिंगापुर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्यमियों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया। किताब को ओशियन री पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में सफल होने के लिए किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिकता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार ने हाल ही में किसके लिए नमस्ते योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र यानी सैनिटेशन इकोसिस्टम। डिटेल्स देख लो, सबसे पहले नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करना है। स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स देख लो, तो बोनालू हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। बोनालू उत्सव देवी महाकाली को समर्पित है। यह लम्मा के अलावा बोनालू उत्सव के दौरान महाकाली के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त मिट्टी या पीतल के बर्तन में दूध और गुड़ से पका हुआ चावल चढ़ाते हैं, जिसे नीम के पत्तों, हल्दी और सिंदूर से सजाया जाता है। महिलाएं इन बर्तनों को सिर पर रखकर मंदिरों में ले जाती हैं। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरीसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा, श्री रामा सागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, CM है K. चंद्रशेखर राव।
क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो केवीआईसी के न्यू चेयरमैन बने हैं मनोज कुमार। एशियन गेम्स सितंबर 23 से अक्टूबर 8 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। भारत के पहले ड्रोन वरुण को अनवील किया गया जो ह्यूमन पेलोड को कैरी कर सकता है। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर बने हैं जस्टिस विनीत सरन। ऑस्ट्रेलिया के लेटन हैबिट को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बनने वाला इंडिया का पहला पोर्ट बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हर्षदा गरुड़ वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं। द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर बुक ध्रुति शाह ने लिखी है। सरकार ने सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए नमस्ते स्कीम लॉन्च की। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और बुनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है। दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।